पहले तो हम आपको एक कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की व्यवस्था बताते। जब हमारा बुरा कोलेस्ट्रॉल अंदर बॉडी में बढ़ता है, अब ये पता कैसे लगे कि अंदर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है बुरे वाला, तो सीधे सीधे दो तरीके हैं इस बात को समझने के, दो तरीके। एक तरीका आप समझो, आपकी याददाश्त कमजोर होने लगती है, आप चीज रख के भूल जाते हो। जब बुरा अंदर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए बॉडी में, तो ये हार्ट अटैक भी ला सकता है। तो बॉडी में जो ब्लड है वो ढंग से अंदर, सबसे पहले अगर कमी कहीं आएगी ब्लड सर्कुलेशन में, तो वो सबसे ज़्यादा कमी आएगी हार्ट में पहुँचने में। दो चीज़ों में सबसे कमी आती है, एक तो माइंड में वहाँ नहीं पहुँचती बॉडी में ब्लड जल्द तेज़ी से या जितनी गति से जाना चाहिए, एक हार्ट में, यहाँ पहुँचने में तकलीफ होती है। तो ये जब बॉडी में ब्लड नहीं पहुँचेगा, हार्ट में ब्लड नहीं पहुँचेगा, तो उसी को अटैक कह देते हैं डॉक्टर लोग, राइट? हाँ या ना है? हाँ, तो आपको इससे बचना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर लोगों पे कोई ऐसा इलाज नहीं है जो इस जड़ मूलन खत्म कर सके, जीवन भर की दवाई पकड़ा देंगे, खाते रहो, कंपनी का लाभ देते करते रहो, भला करते रहो, कंपनी के नाम का चेक डालते रहो। तीन महीने ये उपाय करो कोलेस्ट्रॉल में गजब का, पहले तो भाई अनुभव करो कि कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं। उसको पता कैसे करें? जब याददाश्त कमजोर होने लगे और हार्ट की साइड, लेफ्ट हैंड साइड, बिना कुछ किए हल्की सी जैसे दर्द टाइप रहे, आपको कहीं प्रॉब्लम हो या लेट हैं या थोड़ा सा ऐसे हल्का हल्का ऐसा होने लगे, या कुछ ऐसा खाया भी नहीं है फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, अकड़न टाइप की होती है, तो आपको समझना चाहिए कि कहीं कहीं कोलेस्ट्रॉल तो हावी नहीं हो गया। तो उसकी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? पहले तो इसको कन्फर्म करना चाहिए, रिपोर्ट अपने चेक करा के, है कि नहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है कि नहीं। अगर बढ़ा हुआ है तो तीन महीने लगातार एक चम्मच आपके घर में मिल जाएगी, कहीं बाहर से कोई इलाज नहीं इसका, बाहर का जो इलाज हम बता रहे हैं वो घर का ही है, और घर वाले करेंगे नहीं इस बात को। सबसे बड़ी समस्या ये है ना, डॉक्टर को जब तक चिका एकदम दे न दें, फीस चेक वेक ना दे दें, तब तक तसल्ली नहीं मिलती, फ्री वाला इलाज भी नहीं हमें जमता ही ना। फ्री वाला इलाज है ज्यादा सुटेबल है, घर में मिलती है मेथी, एक चम्मच मेथी पानी में गरा दो एक गिलास पानी में, और उसको रात भर रखो, उसे फिर उबालो, उबाल के उसे सुबह छान के पी लो। मेथी को सब्जी में डाल के या वैसे ही चबा के खा लो। तीन महीने तक लगातार ये करो और उसके बाद में आप चेक कराओ, आपको पता चलेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल में आ गया, पक्की वाली बात है। और जिनको नहीं है और जो होने नहीं देना चाहते वो क्या करें? वो फिर मेथी एक चम्मच ही डालें, पानी में डालें, उसे चबाए नहीं, उस पानी को पी लें थोड़ा सा गुनगुना करके, लेकिन 15 दिन तक करें, 15 दिन फिर बंद कर दें, फिर 15 दिन करें, फिर 15 दिन बंद कर दें। ऐसे करने से आपकी बॉडी का जो कार्यक्रम है वो सही सॉलिड हो जाएगा, जो अंदर कोलेस्ट्रॉल जिसकी वजह से बढ़ा है वो कम हो जाएगा। एक और बात सुन लें, जिनका कोलेस्ट्रॉल हो उन्हें तेल घी इत्यादि जिससे वो चीज़ें बढ़ती हैं वो उसी क्षण रोक देनी चाहिए, फिर जीव के लिए नहीं जीवन के लिए जीना चाहिए। जीव के लिए मत जियो, फिर जीवन के लिए जियो। तो भारी भारी चीज़ें घी तेल और तेल भी ऑयल जो यूज़ करें वो सरसों इत्यादि का ही करें, बाजार का तेल आपके लिए कभी लाभदायक नहीं हो सकता, डालडा वालडा जो है ना वो सब बेकार है। सरसों का तेल जो है वो भी कम मात्रा में सब्जी इत्यादि में लेनी हो तो उसी का इस्तेमाल करें।